कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम जेके और आप अपने चैनल जेके टेक्नोलॉजी ज्ञान में स्वागत है। पैन कार्ड यहाँ पे आप दो तीन तरीकों से बना सकते हैं। पहला तो ये कि आप ई फाइलिंग की वेबसाइट पर जा करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट पैन कार्ड बना सकते हैं। इसमें एक भी रुपये आपको पेमेंट नहीं करना होगा, लेकिन उसमें दिक्कत ये आती है कि उसमें आपका जो फोटो है वो आधार कार्ड वाला फोटो आता है और वहाँ पे आपका जो है सिग्नेचर नहीं आता है और फादर नेम भी वहाँ पे नहीं शो करता, पिता का नाम वहाँ पे नहीं लिख के आता है। इसमें आपको करना क्या, आप मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप CSC UTI पैन कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, आप अपने सिस्टम से कैसे अप्लाई करेंगे, इस पर मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो एंड तक, एंड लगने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है UTI का और आप उसमें NSDL का पैन कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि UTI पैन कार्ड आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। CSC के थ्रू फ्रेंड्स पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए सिंपली आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे CSC लॉगिन। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ CSC लॉगिन डिजिटल सेवा पोर्टल पे, यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। तो हम यहाँ पे अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। आपको जो भी CSC का आईडी पासवर्ड है वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। कैप्चा कोड जैसा दिख रहा है, कैप्चा कोड फिल करके साइन इन पर क्लिक करेंगे। आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में फाइनली लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद सर्च पे यहाँ पे लिखेंगे आप पैन कार्ड। पैन कार्ड पे आप फर्स्ट वाले पे लिखेंगे UTI पैन कार्ड, यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे और आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP सेंड किया जाएगा UTI कंपनी के द्वारा। तो वो OTP यहाँ फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। न्यू पैन कार्ड के लिए सिंपली अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड, अप्लाई फॉर न्यू पैन 49 का अगर करेक्शन करना है तो आप CSA वाला फॉर्म चूज़ करेंगे। अगर न्यू पैन कार्ड है तो अप्लीकेशन फॉर्म 49A चूज़ करेंगे और यहाँ से सिंपली आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट में चूज़ करना है फिजिकल मोड, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे इंडिविजुअल चूज करेंगे, नीचे से 3 नंबर इंडिविजुअल। उसके बाद यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। वेदर यू आर फ्रॉम डिफेंस NRI करके आप नॉन रेजिडेंट इंडियन है वहाँ पे नो करेंगे। और यहाँ पे बहुत फिजिकल पैन कार्ड है न्यू पैन, यानी हमको मेल पे पैन कार्ड चाहिए और फिजिकल प्लास्टिक वाला पैन कार्ड चाहिए। तो यहाँ फर्स्ट वाले क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट नेम टाइटल, यहाँ पे अगर लड़की का है तो कुमारी लगाएंगे, लड़के का श्री, अगर शादी हो चुकी है तो SMT चूज़ करेंगे। तो हम लड़के का भर रहे हैं तो यहाँ पे हम श्री लगा देते हैं। यहाँ पे लास्ट नेम डालेंगे और यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे। उसके बाद जैसे कि लास्ट नेम और फर्स्ट नेम डालने के बाद हम नेम ऑन कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, हैव यू बी चेंज एनी अदर नेम, क्या आपने अपना नेम चेंज किया है, चेंज किया तो यस करेंगे, नाम भी देंगे नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप चूज़ कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के बाद यहाँ पे रेजिडेंट चूज़ करेंगे और यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ पे चूज़ करेंगे, स्टेट उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर और जैसा कि आधार कार्ड में नाम लिखा वहाँ पे नाम भी लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट में क्या देना चाहते हैं, जैसे कि हम आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड देना चाहते हैं, जो भी प्रूफ के लिए भी हम आधार कार्ड ही देना चाहते हैं। तो आधार कार्ड से सिर्फ आप पैन कार्ड बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट गेटवे पर। यहाँ पे अपना आप CSC का पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद जैसे आप वैलिडेट पे यहाँ क्लिक करेंगे, ये पासवर्ड वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद आपको अपना CSC वॉलेट का पिन डालना, पिन डालने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाएगी, ऐसे मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ आपको। तो पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद गाइस यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे और उस सिंपली ऊपर से आएंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना स्टडी कोड यानी इंडिया स्टडी कोड डालना है 91, हर इंडिया के वो 91 है। मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे उसके बाद आप ईमेल आईडी अपनी यहाँ पे फिल करेंगे जिसमें पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं, यहाँ पे नो करेंगे और फादर नेम यहाँ पे इंटर करेंगे। फादर नेम का लास्ट नेम डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे। लास्ट नेम फर्स्ट नेम डालने के बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको पूरा अपने एड्रेस देना होगा, आपका ब्लॉक कौन सा पड़ता है, आपका विलेज, बिल्डिंग, यहाँ पे जो भी है आपको डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जैसे हम यहाँ पे फतेहपुर डाल लेते हैं। और यहाँ पे पिन कोड 2126 जो भी है आपका वो पिन यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूरा एड्रेस आपको फिल कर देना है, जो कोई भी ऑप्शन आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यहाँ पे ये टिक कर देंगे, कोई सैलरी पसंद तो सैलरी में क्लिक करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एओ कोड जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव SS एड्रेस डिटेल, यहाँ पे जिस भी कैंडिडेट का आप अप्लाई कर रहे हैं उसके पिता का यहाँ पे डालेंगे पूरा डिटेल्स, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम और ब्लॉक, विलेज, स्ट्रीट, पोस्ट ऑफिस, तालुका, तहसील, डिस्ट्रिक्ट में फतेहपुर जो भी आप डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। और यहाँ पे पिन कोड डालेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट कैपेसिटी में हिमसेल फर्फसेल चूज़ करेंगे। वेरीफिकेशन प्लेस में यहाँ पे आप फतेहपुर डालेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं जैसे कि फरुखाबाद या कहीं से भी, तो
यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका पैन कार्ड फाइनली सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। फ्रेंड्स, पैन सबमिट होने के बाद मैंने एक वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई कि डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे, वो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं इसका साइज़ वगैरह कैसा क्या रहता है, फोटो साइज, सिग्नेचर साइज एंड डॉक्यूमेंट का साइज जो भी है, आप वहाँ से देख करके इजीली आप अपना पैन कार्ड सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हैं। तो होपफुली वीडियो आपको काफ़ी पसंद है, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।